बहुत सारा बधाई आप सबको, सब पूरे परिवारों को। आज मैं हमारे मुसलमान भाइयों को भी ईद मुबारक, जहाँ जहाँ भी है जो बैठे हुए हैं उन लोगों को सबको ईद मुबारक थी। आज मैं वापस जब लौट रही थी तो गुर्जर समाज के गांव के अंदर मैंने देखा पीपल का पेड़, और पीपल के पेड़ से फूलों की माला, और फूलों की माला में झूला। तो मैंने कहा ये आप लोगों ने बड़ा अनूठी व्यवस्था कर दी है। उनने कहा उतरिए, और ये हमारा तीज का है त्योहार, तो इसलिए जरा झूला झूलिए। तो हमने झूला भी झूलिया। मैंने पहली दफा राजस्थान के अंदर झूला झूलने का मौका आपके क्षेत्र के अंदर आज तीज के त्योहार में। उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। फिर मुझे आज एक और खुशी है कि दो बड़े बड़े त्योहार, एक हमारे मुसलमान भाइयों का ईद और हम सब लोगों का तीज, एक ही दिन पे पड़ रहा है। और मैं जिस चीज को बार बार चार महीने से दोहराते हुए आप लोगों के बीच में फिर रही हूँ, उस चीज को फिर से दोहराने का मुझे एक और मौका मिल गया है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि राजस्थान के अंदर हम सब की एकता जब तक नहीं है, तब तक हम लोग कितना भी कुछ कर ले हमारा राजस्थान विकसित नहीं होगा। भाइयों आप लोग सबको मैंने कहा कि एक परिवार के अंदर दो भाई लड़ लेते हैं तो क्या हो जाता है, वो परिवार पिछड़ जाता है, वो परिवार टूट जाता है, वो परिवार घुटने के बल हो जाता है। पर जब एक परिवार के अंदर अगर चार भाई हैं, वो सब लोग मिलके साथ चलते हैं, तो वो परिवार आगे बढ़ता जाता है, उसका विकास कोई रोक नहीं सकता है। आज मैं ये कह रही हूँ आप लोग सबको, एक बहुत ही अच्छा दिन है हमारे लिए। इस दिन में हम लोग संकल्प कर लें कि इस चीज के ऊपर जिस पे कांग्रेस बार बार अपना चुनाव जीतती है, इस बार उसको नहीं हम जीत सकेंगे। ये परिवार एक होगा, 36 के 36 कौम प्यार से एक साथ जुड़ेंगे, और सब मजहब एक साथ मिलके प्यार की डोर में बन के राजस्थान का विकास उसको पहले रख के आगे बढ़ेंगे। और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जिस दिन आपने तय कर लिया, उस दिन के बाद आपके विकास को रोकने वाला कोई माई का लाल कराई नहीं होगा। सब आपका विकास करने देंगे। मैं जानती हूँ कि इसको नहीं रोक सकता कोई। आज तक तो इन लोगों ने कितनी कोशिश की आप देख लीजिए, 65 साल निकल गए हमारी सरकार, मेरी सरकार 5 साल के लिए थी और आप भैरव सिंह जी की सरकार 7 साल की थी, आप निकाल दीजिए 12 साल निकाल देंगे। 65 में से 53 वर्ष हम लोगों ने लगातार कांग्रेस सरकार को राजस्थान का राज किया, गांधी परिवार राजस्थान के ऊपर राज करता रहा। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मुख्यमंत्री को ये मिल जाता तो मैं ये मानती हूँ कि आज राजस्थान के अंदर चमन होता चमन, हम लोगों को रहने की जरूरत नहीं होती। और मैं क्यों कह रही हूँ आपको ये, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने देखा है गुजरात के अंदर 15 साल के अंदर चमन कर दिया है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, दुनिया के अंदर नाम है गुजरात का खाली 15 साल के अंदर। और उधर अगर आप देखेंगे तो शिवराज चौहान ने मध्य प्रदेश को 10 साल के अंदर देश के मानचित्र के ऊपर मध्य प्रदेश को ला के रख दिया है, वो 10 साल के अंदर, या 10 साल में हो गया या 15 साल में हो गया, और 53 साल के बाद हम ऐसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। अरे भाइयों मैं खेड़ला मोड़ से 2 दिन से चल रही हूँ, खेड़ली मोड़ से होते हुए हम आपके यहाँ आई हूँ, पर खेड़ली मोड़ की बात नहीं है, छहों संभाग उसके पहले ऐसा कोई रोड मुझे नहीं मिला जिसमें बड़े बड़े गड्ढे नहीं थे, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं मिला मुझे जहाँ लोगों को सही बिजली मिल रही थी, ऐसा कोई महिला नहीं थी जो सड़क के ऊपर खड़े होकर मेरे को बोली कि हमको जो सिंगल फेज की बिजली आपने दिलवाई थी वो सिंगल फेज की बिजली आराम से हमको मिल रही, ऐसी कोई महिला नहीं थी। और मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ, बच्चों ने आके सड़क के ऊपर मुझे कहा ताले पड़ रहे हमारे स्कूलों पे, अगर आपके यहाँ ताले पड़ रहे हैं तो बाड़मेर में भी पड़ रहे हैं, अजमेर में भी पड़ रहे हैं, कोटा में भी पड़ रहे हैं, भरतपुर में भी पड़ रहे हैं, ये आप अकेले नहीं हो, ये पूरे राजस्थान के अंदर हो रहा है। और अगर आपको लगता है जो अभी मैं सुन रही थी, ये महाशय मेरे को अभी कह रहे थे कि हाँ आपके 100 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा था, क्यों 100 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा था तो आपका वो हॉस्पिटल तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, मुख्यमंत्री ने कह दिया उसके बाद भी आपका हॉस्पिटल आगे बढ़ा नहीं है।
ये सामुदायिक अस्पताल नाम मात्र की सुविधाओं में है, 7 डॉक्टर के स्थान पर 2 डॉक्टर। ये पूरे राजस्थान का किस्सा है। एक्सरे ECG जैसी सुविधाएं नहीं है, आप लोगों को बाजार में जाना पड़ता है और 100 बेड का उन्नत करने की बेचारे लोग मांग कर करके रह गए। यहाँ घोषणाएं हो गई परंतु ये नहीं होने वाला, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिला के जाना चाहती हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये आपके अकेले की मुसीबत नहीं है, ये पूरे राजस्थान की मुसीबत है। और माता बहने, आप लोगों को मैं याद दिलाऊंगी कि जब 2008 में मैंने सरकार छोड़ी थी तो 18 से 20 घंटे बिजली आपको ऐतिहासिक सिंगल फेज बिजली पहली दफा राजस्थान में ला के दिया। मैं अभी आपको कह रही हूँ कि आने वाले समय के अंदर जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी तो आप लोगों को घर के अंदर 24 घंटे घरेलू बिजली जाके छोड़ना। मुझे समझ में नहीं आता भाइयों, बिजली को हम नहीं दें परंतु दूसरी तरफ हम बिल लगा दें और ऐसे बिल दें जो करंट देता है। बिजली की लाइन में नहीं आती करंट, करंट आता है तो बिजली के बिल में आता है। मैंने गांव वालों से पूछा तो गांव वाले कहते हैं कि अगर आप बिजली हमें दे दो तो पैसा देने में हमें कोई हरकत नहीं है, परंतु आप बिजली भी ना दो और पैसे हमसे मांगो। और जो पैसे है अगर 4,000 रुपए है तो VCR लगा लगा के उसको 40,000 कर दो, उसको 4 लाख कर दो। हमारी हैसियत नहीं है, हम नहीं ले सकते ऐसी बिजली। और कौन दे सकता है, कौन दे सकता है? और मैंने सबको कह दिया है कि जिन लोगों ने इस तरीके से VCR लगाई है उनकी इंक्वायरी होगी, हमारी सरकार आएगी तब और उसके बाद हम तय करेंगे कि अगर आपने इस तरीके से गड़बड़ की है तो वो अब तक दंडित होंगे और वो पैसा वापस निकाल के हम लोग गरीब लोगों को वापस देने का काम करेंगे। भाइयों, मैं आपको कहना चाहती हूँ, ये सरकार आपकी, पैसा आपका है, प्रदेश आपका है और सबसे ज्यादा गरीबी में अगर हमारे लोगों को, हमारे परिवार के लोगों को हम रख देंगे तो फिर ये बात करने की जरूरत क्या है। सब जो भी आता है वो राजनीति के अंदर यही कहता है कि सब आप ही का है, परंतु वो सब उसके जेब में चला जाता है और बाहर निकलता नहीं है। यहाँ मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से पूरे राजस्थान के अंदर अंधाधुंध भ्रष्टाचार चला हुआ है वो यहाँ बैठी हुई जनता किसी को बख्शेगी नहीं। और मैंने कह दिया उनको 53 साल के पूरे लूट के बाद अब इस साल के बाद किसी भी ऐसे लोगों को उस कुर्सी पर बैठने का हम कोई भी हक नहीं देंगे, नहीं देंगे। ये तो पानी, पानी की हालत अभी मैं देख रही थी यहाँ कि यहाँ आप लोगों की पानी कैसा मिलता है, तो बताया कि 116 गांव के लिए पेयजल योजना स्वीकृत करके हमने बजट किया था। बिटोली और ढकवासर गांव में बांध निर्माण कार्य करवाए थे, मुंडावर में सागर की सफाई करवाई थी। अब 85 लाख रुपए से बीजवाड़ा, माटोर और सोरखा में ट्यूबवेल निर्माण कराए थे। कूलाखेड़ी और पटलीजट और पटमा ढाकला, पटमारा फुट में 15 योजनाओं पर कार्य करवाए थे, परंतु आज स्थिति हो रही है कि पानी सही तरीके से किसी को मिलता नहीं है और जगह जगह पर फ्लोराइड और खारा पानी लोगों के किस्मत में आ गया है। माता बहने को कहती है कि इसका कोई इंतजाम करो। मैं सब लोगों को ये कह दिया है, माता बहने, जो सरकार 53 साल के बाद 5 पानी नहीं दे सकती, बिजली नहीं दे सकती, रोजगार का इंतजाम नहीं कर सकती, डॉक्टर और टीचर नहीं दे सकती और सड़कों की बदहाल करके छोड़ देती है, इस सरकार को बैठने का कोई हक है क्या? नहीं है। मैं युवाओं को कहना चाहती हूँ, भाइयों तुम याद रखो, इन युवाओं को हम लोगों ने 10 लाख नौकरियां दिलवाई थी अपने टाइम के अंदर। हमने सब लोगों को बेरोजगारी का भत्ता दिया था कि दो 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 साल के लिए जो पढ़े लिखे बच्चे हैं अपने परिवार के ऊपर जोर न दे, इसलिए उनको अलग से भत्ता देंगे, 2 साल के अंदर अपनी नौकरी ढूंढ लेंगे, वो अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे। आज मैं देख रही हूँ कि बेरोजगारी का भत्ता चुनाव के पहले फिर चालू कर दिया है। अरे करना था तो 4 साल देते परंतु कुछ भी काम नहीं किया और अब 4 महीने के अंदर सब लोगों के सामने सौगातें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हो भैया, हमें तो किसी वोट दे दो। मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि ऐसा नंगा नाच मैंने देखा नहीं। ऐसा भी है कभी कभी हम लोग छिपाने की भी बात करते हैं, पर यहाँ छिपाने की बात भी नहीं है। सब लोगों के सामने जाके खुले खुले कहते हैं, अरे साहब लैपटॉप ले लो, अरे लैपटॉप नहीं है तो पैसे ले लो, अरे लुगड़ी ले लो, अगर लुगड़ी नहीं तो पैसे ले लो। बच्चे हैं, अच्छा बड़ी खुशी की बात है, 2 जोड़ कुर्ता पजामा ले लो, अरे घर ही जा रही है तो 1 थाली और 2 कटोरी भी ले जाओ।
बताओ क्या चाहिए तुमको, बस वोट दे दो। फिर जब मैंने ये बात उठाई तो लोगों ने कहा नहीं नहीं हम तो ऐसा नहीं करते। पर तू झालावाड़ गए, झालावाड़ में लैपटॉप दिया और बच्चों के सामने लैपटॉप देते देते मंत्री के पेट में नहीं रहा गया, तो मंत्री बोला कि बच्चे ये लैपटॉप तो ले लो, परंतु याद रखना कि 4 महीने के अंदर चुनाव आ रहे हैं। अपनी मम्मी पापा को जरूर कह देना कि कांग्रेस को वो वोट दे। रहा नहीं गया, पेट में नहीं रहा गया। मैं कह रही हूँ ये है सबके अंदर, इन लोगों के अंदर ये बात है। और अगर उनको लग रहा है कि ये सही सीधे उंगली नहीं निकलने वाली, तो टेढ़ी उंगली लगा दो सबको, हिंदू मुसलमानों के बीच में झगड़ा करा दो, जात जात के बीच में झगड़ा करा दो, बस दीवारें खड़ी कर दो ताकि उसका फायदा हमको मिल सके। जो 53 साल से करते चले आ रहे हैं वो काम कर दो ताकि राजस्थान का राज भी हमारे हाथ में आएगा। मैं सबको कहना चाहती हूँ कि राजस्थान का राज अब नहीं जाएगा, अब एक नया राजस्थान बनेगा, एक ऐसा राजस्थान बनेगा जिस राजस्थान के अंदर हम अपनी माता और बहनों की इज्जत को सबसे पहले बनाने का काम करेंगे। माता बहने आज आपकी इज्जत तार तार हो गई है, इतने जोर और अत्याचार हो रहे, जयपुर जैसी जगह के अंदर अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं के साथ, बच्चों को तक नहीं छोड़ा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस परिवार के अंदर महिला की इज्जत बहु बिटियों की इज्जत नहीं है, उस परिवार के मुखिया को चुल्लू भर पानी के अंदर डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि अगर महिला की इज्जत नहीं है तो परिवार की इज्जत नहीं है। परिवार की इज्जत उसकी महिला होती है, और जिस दिन उस महिला की इज्जत को बना के रखेंगे उस दिन अपना परिवार आगे विकास के उस रस्ते पे चल पड़ेगा। इसलिए हमारे नए राजस्थान के अंदर हमारी माता बहनों को सिर ऊंचा करके सुरक्षित राजस्थान के अंदर चलने का मौका मिलेगा। मैं सबको ये कह रही हूँ, भामाशाह योजना हम लोगों ने बनवाई थी, तो भामाशाह योजना हमने अपनी महिलाओं को ताकतवर बनाने के लिए दिया कि अपने परिवार 50 लाख परिवार के बैंक अकाउंट आपके नाम होंगे, और हमने कोशिश ये की थी कि आपके कार्ड के ऊपर स्वास्थ्य बीमा योजना का भी इंतजाम 30,000 रुपए का होगा, तो आप यही नहीं देखोगे परंतु अपने परिवार के स्वास्थ्य का भी इंतजाम करने की कोशिश करोगे। ये सब देखने के बाद हमने 200 करोड़ रुपए अलग से बैंक में डाले, 800 करोड़ रुपए अलग से रखे कि जरूरत पड़ेगी तो ये पैसा भी आएगा, और हमने साथ साथ सब लोगों को कह दिया कि SC ST BPL लघु सीमांत कृषक इन सब का काम उसमें होगा, पेंशन आएगी, पेंशन भी होगा, और अगर उस समय से किया होता तो आज तक पेंशन जल्दी जल्दी में बांटने की जरूरत नहीं होती, व्यवस्थित रूप से पेंशन सबको मिल जाता तो सबको चिंता नहीं होती कि ये चुनाव खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हमारा पेंशन हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये आज हो रहा है, सबके मन में है ये, या तो थोड़े दिन की बात है, जितना ले सकते हो ले लो, उसके बाद मालूम नहीं क्या होगा। ये है स्थिति, हम चाहते हैं, इसीलिए हम लोगों ने, हम आज की बात नहीं कर रहे, हम तो एक व्यवस्था की बात कर रहे। इसलिए मैंने कहा कि सब लोग, क्योंकि पैसा सभी का है, इस पैसे को अच्छी तरीके से सोच विचार करके इन सब के अंदर हमको लगाने की जरूरत है। हमारे बच्चों को नौकरियां मिलनी चाहिए, हमारे बच्चों को पलायन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तो राजस्थान में ही नौकरी कैसे मिले उसका इंतजाम हमको सोचना चाहिए, ये हमको बाद में नहीं पहले ही सोचना चाहिए। इसे मैंने कहा कि टेट एक मुसीबत है, जिस मुसीबत के अंदर हमारे बच्चे फंसे हुए हैं। मैंने सब लोगों को कह दिया कि टेट का प्रबंधन हम लोग करेंगे, और टेट का प्रबंधन करके जिस तरीके से RPSC के द्वारा पहले आप लोगों की नौकरियों का इंतजाम करते थे, आने वाले समय के अंदर भी उसी तरीके से आप लोगों के नौकरियों का इंतजाम करने की बात करेंगे। भाइयों, ये काम को ये अकेला नहीं कर सकता, सब लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। हम तो दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, परंतु ये जादू आपके हाथ में है। जिस दिन आपको तय हो जाएगा कि हाँ, आपको जब जिस दिन तय हो जाएगा, जिस दिन आपको अपने आप के अंदर विश्वास हो जाएगा कि राजस्थान की बागडोर हम सबके हाथ में है, तो उस दिन हम लोग सब मिलके इसकी दिशा और दशा बदल सकेंगे। क्या आपके मन में है बदलने का? मनरेगा की बात आपके सामने रख दूं, मनरेगा आज कहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है, क्योंकि मनरेगा के 13,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने खा बैठे। आपको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी हम लोगों की थी, हमारी आपकी थी, तो उस समय में 26 लाख लोगों को रोजगार देने का काम मनरेगा ने किया, और राजस्थान प्रदेश पूरे देश के अंदर नंबर 1 प्रदेश था मनरेगा के अंदर।
आज 1 लाख मुश्किल से नौकरियां मिल रही है और वो भी आपको पेमेंट टाइम पे नहीं होता है। उस समय सबको पेमेंट टाइम पे मिलता था, सबको टाइम पे मिलता था, यहाँ 3-3, 4-4, 6-6 महीने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं आया है। और मैंने सबको कहा कि ये हमारे पार्टनर थे, ये सब लोग हमारे पार्टनर थे, क्योंकि राजस्थान जब आपने हमारे हाथ में दिया था, बीमारू प्रदेश था, उस बीमारू प्रदेश को पकड़ के खड़ा करने का काम हम लोगों ने किया और उसमें मदद मेरी ये 26 लाख लोगों ने की जिन्होंने राजस्थान की परिसंपत्तियां बनाई और बना के राजस्थान को विकास के पथ पे ले जाने का काम किया। वो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सब लोगों को जिन्होंने हमारे साथ काम किया था महानरेगा में उन 2003 से आज तक। और मैं आज सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि नौकरी तो किसी को नहीं मिल रही है, परंतु आप लोगों को सौगात है मैं कोई कभी नहीं आ रही। अभी अभी मैंने देखा 31% माताएं बहने महिलाओं के ऊपर अत्याचार के अंदर बढ़ोतरी हुई है राजस्थान के अंदर। समझ लीजिए आप, मैं यहाँ देख रही थी तो आपके मुख्यमंत्री ने ये कहा था, ये मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी होती है वहां हम लोगों को बहुत सारा नुकसान होता है, बर्बाद हो जाता है राजस्थान। मैं खाली ये कहना चाहती हूँ कि इनके कार्यकाल में 24 सांप्रदायिक दंगे और अब तो और भी हो गए हैं सांप्रदायिक दंगे, 80 से ज्यादा सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं राजस्थान के अंदर हुई है। भारतीय जनता पार्टी जब राज में होती है नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, ये कब क्यों होता है जब ये सरकार में आती है? ये इसलिए होता है क्योंकि वो चला के कराते हैं, ये झगड़ा बना रहे ताकि एक लोग हमारे साथ रहेंगे, एक लोगों का वोट हमारे साथ रहेगा, ये उन्होंने लगा के करा हुआ है। सच्चाई तो ये है कि 65 साल से हिंदू मुसलमानों को लड़ा लड़ा के इन लोगों ने सत्ता हासिल करने का काम किया है। और मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि अब वो अंत में आ गया है। एक और पॉइंट मैं आपको बता के छोड़ूंगी, उसमें यह है पानी की। 2010 के अंदर 2011 के अंदर 330 करोड़ रुपया हमको सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने पैसा दिया पानी के लिए, हमने 306 करोड़ रुपया वापिस कर दिया, सिर्फ 24 करोड़ रुपया इस्तेमाल किया। ये क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति नहीं थी और हम नहीं जानते थे इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। फिर 2011-12 में 601 करोड़ रुपया मिले, उस 601 करोड़ रुपए में से 29 करोड़ रुपए हमने इस्तेमाल किए और 582 करोड़ रुपए गए वापस। और अभी 12-13 के अंदर 1300 करोड़ रुपए हमको मिले जिसमें से 1244 करोड़ वापस चले गए, 56 करोड़ हमने इस्तेमाल किए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि 3 साल के अंदर 109 करोड़ रुपए हमने पानी में इस्तेमाल किए और वापिस गए 2132 करोड़ रुपया वापस चला गया। अरे भाइयों, मैं कहना चाहती हूँ कि 2132 करोड़ रुपए अगर हमने सही तरीके से पानी में इस्तेमाल कर दिया होता तो आज क्या ये माताएं बहने कुएं पे जाने, उनको जाने की जरूरत पड़ती? क्या वो दुख पाके अपने सिर के ऊपर मटका भर भर के लाती? मुझे याद है अभी मैं निकल रही थी भीलवाड़ा से, तो भीलवाड़ा के अंदर कुआं था, वहां 4 महिलाएं खड़ी थी। मैंने अपना बस रोक के उनको राम राम किया, उन्हें मेरी तरफ देख के मजाक से वो हंसी और फिर मेरे को हाथ दिया और आओ तो सही। मैं सोच ही रही थी कि मालूम नहीं ये क्या करने वाली है। मैं नीचे उतर के गई तो एक ने रस्सी पकड़ाई मेरे हाथ में, खाली बाल्टी थी और बोला जरा डाल के देखो तो कितना मजा आता है, आपको समझ में आ जाएगी। मालूम नहीं क्यों मेरे ऊपर ही, कोई तो सुनता नहीं है इसलिए मेरे ऊपर ही ढाते हो सब। अभी रस्ते पे से निकल रही थी, एक ने कहा रुक जाओ दिखता है वो सड़क, देखा कितना पानी है उसमें, अब समझ जाओ इसका कुछ करके देना। मैंने कहा भैया मेरे को काय को कह रहे हो, सरकार अपनी नहीं है, नहीं कर सकती। पर हाँ, ली मैंने बाल्टी हाथ में, डाला अंदर, डालना तो बड़ा आसान था, फिर उठाना जब था तो लगा थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ी। और मैंने सोचा क्योंकि मेरे हाथ तो इतने वो नहीं है, मैंने सोचा कि क्या उनने कहा ये देखा ये मटका, इस मटके के अंदर जाती है 3 बाल्टी, तो ये एक ही नहीं, अभी 2 बाल्टी और निकालनी पड़ेगी। मैंने कहा भैया मैं तो एक कर सकती थी, अब ये 2 और 3 तो मेरी तो बस में नहीं है, इतनी घी नहीं खाई है मैं नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए एक करके मैं आपको पकड़ा रही हूँ। और फिर मैंने कहा इसके बाद, उन्होंने कहा इसके बाद ये जो मटका है ना वो सिर के ऊपर रख के चलना पड़ता है, आपको कोशिश करना है। मैंने कहा मैं भैया इतना ही नहीं, मैं तो वही धस जाऊंगी, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी। परंतु मेरे को समझ में आ गई कि ये महिलाएं कितना काम करती है भाई, कहां से कहां करना पड़ता है आज पानी के लिए। मेरा दिल पसीजा वाकई में मुझे लगा
कि कितना काम करती हो, कैसा हम लोग आपको मदद कर सकते हैं, पानी की क्या स्थिति है आज राजस्थान के अंदर, झगड़े जो हमारे होंगे आने वाले समय के अंदर अपना पानी के ऊपर ही होगा, इस पानी को बैठ के अपने को मिल बैठ के सुलझाना पड़ेगा। ये हमारा एक बहुत बड़ा काम है, इसके लिए मैं अकेले नहीं, गांव गांव में सब लोगों को बैठना पड़ेगा, बैठ के हम लोगों को तय करना पड़ेगा कि कौन से नदी नालों को जोड़ा जाए, किस तरीके से पानी को बाहर निकाला जाए, किस तरीके से पानी को ऊपर उठाया जाए। ये हम लोगों को वहां जयपुर में बैठे नहीं मालूम है, ये पुराने लोग जो किसान भाई है, जो पुराने लोग है, जो जानते थे किस तरीके से पानी आता था, किस तरीके से पानी को रोक दिया गया है, वो किस तरीके से फिर उसको खोल के हम पानी ले सकते हैं, उनके साथ हमको बैठना पड़ेगा और उनके साथ बैठ के इस पूरे पानी के राज को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। बहुत सारे काम है भाइयों, हम लोगों को अपने जब पट्टी बहुत मैंने वो करनी कसनी पड़ेगी, मैं सब लोगों को कहती हूँ आसान काम नहीं है। और किन्हीं किन्हीं लोगों ने गुस्से को कहा कि सरकार क्यों बनाना चाहते हो, इतनी हालत खराब हो रही है, जान दीजिए। मैंने कहा इतनी हालत खराब हो रही है इसलिए हम लोगों को मिलके एक दफा मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं और राजस्थान को इस गड्ढे में से निकाल सकते हैं तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा काम हो जाएगा और सब लोगों को मिला के हम लोग साथ करके ये काम करेंगे। भाइयों अभी आपके पास आएंगे, आपको डराएंगे, आपको धमकाएंगे, आपको पहले तो ये सौगाते देंगे, ये तो सब सौगाते ले लेना, ये आप ही का पैसा है याद रखो, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो ये इनके बैंक अकाउंट में वो काले धन में चला जाएगा और इसीलिए छोड़ो मत। परंतु जब समय आएगा उस समय भी याद रखना, उस समय भी हम लोगों को कोई गलती नहीं करनी है, उस समय भी अच्छे लोगों को हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। जब अच्छे लोगों को ध्यान देंगे हम लोग, तो ध्यान देके ऐसे लोगों को बाहर निकालना है जो आपके लिए दौड़ेंगे भागेंगे और काम करने में छोड़ेंगे नहीं, याद रखना। इसलिए आज मैं सब लोगों को कह रही हूँ कि आप पे अगर ये तय है, मेरे मन में तय है कि मुझे 5 महीने की सरकार आपको नहीं देनी, 5 महीने सौगातों की सरकार से मेरा काम नहीं बनेगा, मुझे चाहिए 5 साल की कार्य योजना की सरकार, और अगर आपको चाहिए वो कार्य योजना की सरकार तो आप भी उसको अपने हाथ में लेंगे, तो दोनों हाथ ऊपर करके कह दीजिए कार्य योजना की सरकार और राजस्थान का नाम बुलंद करेंगे। इसलिए जोर से मेरे साथ जय जय राजस्थान, विश्वास होगा। आ जाओ साथ।